बाटा के ऊपर, और बाटा के ऊपर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कहना चाहिए एक नेगेटिव न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, और कई सारी पॉजिटिव न्यूज़, और प्लस एक कहना चाहिए एक छोटा सा ट्रेड है दोस्तों जो मैं पढ़ रहा था तो मुझे मिला, तो सोचा आपके साथ शेयर जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ट्रेड फेल भी होता है दोस्तों तो वो निवेशक जो लॉन्ग टर्म के लिए है वो बाटा तो दोस्तों हमेशा ही पोर्टफोलियो का कहना चाहिए कॉफी के इन पोर्टफोलियो का स्टॉक रहता ही है। क्या है पूरी बात, क्या है ये इश्यू, पूरी चर्चा करेंगे दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, प्लीज स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज से आप बच जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो के बीच में ही मैं एक कहना चाहिए ट्रेड जो मैं देख रहा था काफी अच्छे एक कहना चाहिए एनालिस्ट ने अभी दिया है उसके बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ शेयर कीजिएगा, और दोस्तों मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे जाके जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो ज्वाइन कीजिएगा। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलूंगा दोस्तों मैं आपको मैं शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए कि लगभग फ्लैटिश सा दोस्तों ये क्लोजिंग हुई है, ठीक है, और जब मैं आपको इसके वॉल्यूम दिखाऊंगा तब आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों ये जो फ्लैटिश सी गिरावट है ये मुझे लगता है थोड़ी सी कमजोरी में बदल सकती है, और क्यों ये काफी एक अच्छे खासे रेस्ट कहना चाहिए सपोर्ट के पास में खड़ा है, और उसी के रिलेटेड दोस्तों ये ट्रेड है जो मैं आपके साथ आगे चर्चा करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ ये शेयर में लगभग 0.35% गिरावट हुई कहना चाहिए ये क्लोज दिया है। बात करें पिछले काफी समय की इसके ट्रेड की तो मैं आपको बताऊं पिछले 1 महीने दोस्तों इसने देखिए एक अजीब एक वी टेप पे दोस्तों किया है, रिटर्न दिया है, और जो ये कहना चाहिए 1800-1700 के आसपास था उसके बाद से एक अच्छी खासी 9-10% की रिटर्न दे चुका है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों शेयर थोड़ा सा चला भी हुआ है, लेकिन हमको देखना ये है कि आने वाले समय यानी जो अभी समय आएगा उसमें ये शेयर किस तरह से कहना चाहिए परफॉर्म कर सकता है। ये बाटा आपको पता है किसमें काम करती है, फुटवेयर में, और जो अभी ये पैंडेमिक आया है दोस्तों और जिस तरह से लॉकडाउन लोकल लॉकडाउन लग रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे कि जो इसके बिजनेस में एक काफी नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। लेकिन आपको पता है पिछली बार जब ऐसा कुछ हुआ था तो बाटा ने किस तरह जबरदस्त बाउंस बैक किया था दोस्तों, एक कहना चाहिए काफी अच्छे क्वार्टर रिटर्न के साथ, इसीलिए इस बार कोई भी गिरावट होती है शेयर में तो हमें उसे ऐसा कहना चाहिए बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना है और शेयर में। लेकिन दोस्तों याद रखिए हड़बड़ाइएगा नहीं, हड़बड़ाने से क्या होता है शेयर में आदमी जल्दी जल्दी एवरेज करता है और जब एक्चुअल में एवरेज का टाइम आता है तब उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, इसीलिए कौन से वो लेवल्स हैं मैं दोस्तों चर्चा करूंगा। लेकिन आपके साथ पहले मैं बताऊं ये बढ़िया देखिए आप देखिए जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज ने क्या बाइंग किया दोस्तों, आप जरा इसमें देखिए ये दिसंबर 2021 की दोस्तों अभी अभी जिन्हें कहना चाहिए जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो निकल के आई है, और ये शेयर होल्डिंग पैटर्न के साथ एक कहना चाहिए नेगेटिव जो है मैं साथ बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन पहले देखिए मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ग्रोथ ने दोस्तों 179% की दोस्तों खरीदारी की, चेंजेस की है, आप समझ रहे हैं 170 ने मतलब कितना ज्यादा खरीदारी की गई है, ठीक है, और 1.2% की एयूएम आ गई है, और मीरा एसेट मिड कैप फंड ने भी दोस्तों इसमें खरीदारी की अच्छी खासी, देखिए 31.92%, कोटक मिड कैप फंड, कोटक एमर्जी इक्विटी स्कीम, इन्वेस्को ने, निप्पॉन ने, यानी देखिए इसमें बताने का आपका मेरा मतलब ये है कि कोई भी आप जरा देखें कोई हर एक कंपनी की कोई ना कोई कहना चाहिए एसेट क्लास में, एसेट क्लास के अंदर बाटा को एंट्री जरूर दी गई है, और आप देखिए कहीं भी आपको क्या नहीं दिख रहा होगा दोस्तों नेगेटिव, यानी किसी भी ने सेल नहीं किया है दोस्तों, ठीक है, ये उन निवेशक के लिए जो थोड़े से 1600-1800 रुपए में इस शेयर को लिए हुए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों ये, प्लस वो निवेशक अगर शेयर में गिरावट आती है ओमिक्रॉन के कारण वो अगर गिरावट आती है तो सिर्फ एक कहना चाहिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, एक्यूमुलेट करने का एक जरिया होगा दोस्तों, ठीक है। और आप देखिए इसके साथ जो मैं निगेटिव बात कह रहा था ना वो ये है दोस्तों जो कि निकल के आ रही है किसकी तरफ से, वो है दोस्तों एक बहुत बड़ा नाम LIC, जी हाँ दोस्तों LIC ने ना अपने स्टेक को इसमें घटाया है दोस्तों, कितना LIC की बात करें तो जो पहले दोस्तों सितंबर क्वार्टर के आसपास उनका इसमें स्टेक था 5.85%, वो अब दोस्तों घट करके हो गया है सिर्फ
4.64%, यानी कि LIC ने 1.25% के आसपास दोस्तों अपना कहना चाहिए जो स्टेक है इसमें वो घटाया है दोस्तों, ठीक है। और मैं यही कह रहा था, लेकिन देखिए LIC ने स्टेक घटाया है ये नेगेटिव चीज़ है, लेकिन बाकी देखिए सारे एसेट क्लास में सारे कहना चाहिए फंड हाउसेस ने इसमें अपना स्टेक बढ़ाया है, जो कि मेरी नज़र में फॉर मी ये बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा दोस्तों पॉजिटिव है, ठीक है। आप देखिए म्यूचुअल फंड की सभी क्लासेस ने अच्छा खासा अपना, आप देखिए ये तो 650%, ये कौन है दोस्तों कोटक मिड कैप फंड रेगुलर ग्रोथ, उन्होंने भी अपनी मार्केटिंग कहना चाहिए अपना स्टेक बढ़ाया, नहीं बहुत तरीके से बढ़ाया दोस्तों, यानी कि इतने बड़े बड़े निवेशकों को बाटा के लॉन्ग टर्म स्टोरी में जरा सा भी दोस्तों मैं कहूंगा संदेह नहीं है या डाउट नहीं है। इसीलिए अगर आप भी बाटा में अपनी पोजिशन बनाए हैं और एक लॉन्ग टर्म निवेशक है तो प्लीज बना के रखिएगा। बात करें उस ट्रेड की जिसके बारे में बात कर रहा था, आप देखिए मितिश ठक्कर का एक ट्रेड है दोस्तों, आप देखिए mitishthakkar.com से कि बाय बाटा इंडिया फॉर अ टारगेट प्राइस ऑफ 2020 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1965, और अभी शेयर कहाँ है दोस्तों, अभी शेयर की बात करूँ ये 1982 में आज क्लोजिंग दी है, यानी काफ़ी पास में है दोस्तों, यानी कि अगर किसी को ट्रेड लेना है तो ये काफ़ी अच्छा हो सकता है क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे है, तो कल आप देखिएगा। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा जो स्टॉप लॉस होता है ना क्लोजिंग बेसिस पे होता है, इसे बस छू के चला जाए नहीं, अगर आप हैं बने रहिएगा ले सकते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो भी एक बार इसमें एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि देखिए गिरावट अगर होती है मार्केट में सेल ऑफ होता है तो ये भी कोई शेयर एक्सेप्शन नहीं दोस्तों बचेगा नहीं, लेकिन हाँ एक छोटा सा ट्रेड 2000 रुपीज़ के ऊपर तक की बातें हो रही है और नीचे में स्टॉप लॉस 1965 का है दोस्तों, छोटा ट्रेड है लेना पसंद हो लें, लेकिन नॉन टर्म निवेशक को इस बाटा में बिल्कुल भी मैंने कहना चाहिए कोई भी शक नहीं होना चाहिए दोस्तों। बात करूँ वॉल्यूम्स की तो वॉल्यूम्स थोड़े से कम है दोस्तों, देखिए 3,05,000 के आसपास के वॉल्यूम्स हैं, डिलीवरी 33.33% की है, और डिलीवरी 33.33% की है, देखिए 30% से अगर 30% के ऊपर की डिलीवरी ना काफ़ी अच्छी मानी जाती है, और यहाँ तो 33% डिलीवरी है, लेकिन अगर बात करूँ मैं वॉल्यूम्स की क्या वॉल्यूम बढ़े हैं घटे हैं इसके बारे में आपको दिखाऊँ तो आप देखिए हिस्टोरिकल डेटा में जाएंगे तो आप पाएंगे कि वॉल्यूम देखिए बहुत ज़ोर से घटे हैं, पिछले दिनों दोस्तों ये 8 लाख थे, उससे पहले 4 लाख 5 लाख, आज केवल 3.3 लाख के आसपास है दोस्तों, वो भी 3.3 लाख ज़्यादा बोल दिया, 3,05,000 के आसपास है दोस्तों, जो कि काफ़ी कम है, इसीलिए 33% डिलीवरी मुझे वीकनेस का साइन दिखा रही दोस्तों, ठीक है। तो वॉल्यूम के हिसाब से मुझे लग रहा है बाटा थोड़ा सा वीक हो सकता है, लेकिन वो निवेशक जो एक लॉन्ग टर्म स्टोरी में निवेश करना चाहते थे बाटा बहुत, अगर कोई भी गिरता है 1500 1600 1400 के आसपास बहुत अच्छा मैं कहूँगा दोस्तों एक ट्रेड होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है, यहाँ तक जुड़े रहें, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।